कोरोना सामेनी लड़ाई में घेरायेली सरकारे रणनीति बदली छे। आरोग्य अग्रसचिव जयंती रविनु मीडिया ब्रीफिंग पण बंद कर्युं छे। सोशियल मीडिया में पण प्रश्नोनो मारो थता ब्रीफिंग बंद करवामां आव्युं छे। कोरोना केस अने तंत्रनी कामगीरी अंगे जवाब टाळवानी नीति एएमसी कमिश्नर अश्विन कुमार सिवानंद झाना ब्रीफिंग पण बंद करवामां आव्या छे। तो सरकार कोरोनाना एक्जिट प्लान तरफ आगळ वधी रही होवानी पण चर्चा छे। तो आ मुद्दे वधु माहिती आपशे संवाददाता दीक्षित ठकराल। दीक्षित, जे प्रमाणे समाचार मळी रह्या छे, दररोज सांजे बपोरे अथवा तो दिवसमां कोईपण दरमियान जे अपडेट्स आपवामां आवता हता सरकार तरफथी, शा माटे अचानक बंद करी देवामां आव्या छे? पहला दररोज छे ते मुख्य सचिव छे ते जयंती रवि छे ते प्रेस ब्रीफिंग करता हता, तो साथे ज जयंती रवि छे आरोग्य अग्रसचिव छे ते प्रेस ब्रीफिंग करता हता। अश्विनी कुमार नी प्रेस ब्रीफिंग आवती हती, राज्यना डीजीपी छे तेनी पण प्रेस ब्रीफिंग आवती हती, ने साथे ज त्रणेय झोनना कमिश्नर छे ते पण पत्रकार परिषद करीने माहिती आपता हता। परंतु तबक्कावार आ पत्रकार परिषदो छे ते बंद करवामां आवी। पहेला अमदावाद कमिश्नर नी पत्रकार परिषद बंद करवामां आवी, त्यारबाद डीजीपी, त्यारबाद अश्विनी कुमार, अने जे लोको छे गुजरातनी जनता रोज सांजे 8 वाग्या अथवा तो 7:30 वाग्या एटले ते टीवी स्क्रीननी सामे बेठी जती होय छे के जयंती रवि क्यारे आवे ने क्यारे राज्यनी कोरोनानी स्थिति शुं छे तेनी माहिती आपे। परंतु जे प्रेस ब्रीफिंग हवे सोशियल मीडियाना माध्यमथी थतुं हतुं, फेसबुक थी जयंती रवि छे ते तमाम मीडियाने पण संबोधता हता, परंतु फेसबुकमां अने बाकी पण तमाम सोशियल मीडियामां जे रीते प्रश्नोनो मारो आव्यो, जे रीते टेस्ट ओछा थया तेने लईने पण लोकोए सवाल कर्या, त्यारे हवे सरकारे नक्की कर्युं छे के जयंती रविनुं पण जे प्रेस ब्रीफिंग थतुं होय छे ते पण प्रेस ब्रीफिंग छे ते बंद करी દેવાનું। એટલે કહી શકાય કે જે પ્રમાણે સમગ્ર ઘટનાઓને જે અધિકારીઓ ઘેરાઈ રહ્યા છે સામાન્ય જનતાના પ્રશ્નોથી, ત્યારે એક સરકાર દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે હવે કોઈ પણ પ્રેસ બ્રીફિંગ છે તે ઓનલાઈન નહીં થાય, અને હવે જયંતિ રવિનું પ્રેસ બ્રીફિંગ છે તે પણ બંધ કરવાનો નિર્ણય છે તે અત્યારે કરવામાં આવ્યો છે। દીક્ષિત, માહિતી બદલ આપનો આભાર। તો જે પ્રેસ બ્રીફિંગ છે સરકારી અધિકારીઓ દ્વારા જે દરરોજ અપડેટ્સ આપવામાં આવતા હતા કોરોનાની વર્તમાન સ્થિતિને લઈને, તે હાલ બંધ કરવામાં આવ્યા છે। સોશિયલ મીડિયામાં પણ પ્રશ્નોનો મારો થતા બ્રીફિંગ બંધ કરવામાં આવ્યું છે। જો કે શા માટે અચાનક આ નિર્ણય લેવાયો અને શા માટે અપડેટ્સ બંધ કરવામાં આવ્યા તે પણ એક મોટો સવાલ છે।